ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ପେଟ ସଫା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚୂରନ ପେଟ ସଫା ତ ସବୁ ରୋଗ ବାହାର। नमस्कार सुप्रभात प्रथम खबर को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस। आज यूपी रे चतुर्थ पर्याय मतदान प्रचार मैदान रे गर्जिले सबु दलर नेता। यूपी प्रयागराज रे शाह कहिले सफा होई सारिलानी सपा बसपा सह कांग्रेस। बीजेपी मिशन मणिपुर राज्यवासी निकट को गले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पारंपरिक लोक नृत्य और वाद्यजंत्र रे पीएम को स्वागत कले मणिपुरवासी। शांति श्रृंखलार सरला चतुर्थ पर्याय मतदान। सेपटे पंचायत निर्वाचन शेष हो प्रचार। शेष दिन में बड़ नेता शक्ति प्रदर्शन। आउ दिनक राज्य में पंचम पर्याय पंचायत निर्वाचन। आज श्रीमंदिर महाप्रभु बनकला नीति श्रीमुख श्रृंगार पर छटकबे श्रीजीव। गुप्त नीति पर संध्या पांचटू तीन घंटा बंद सर्वसाधारण दर्शन। आसुची आउ एक पश्चिमा झड़। यह प्रभाव में 24 तारिखर राज्य में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा आरंभ। सेपटे पाणिपाग विभाग पूर्वानुमान पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्य में तीन दिन लग रर्षा। आसवा संपूर्ण खबर को। उत्तर प्रदेश में एपर्यंत तीनोटी पर्यायर मतदान शेष हो सारी। आज चतुर्थ पर्यायर भोट ग्रहण हो पर्यायर मतदान पर सोमवार प्रचार शेष हो। लखनऊ और रायबरेली समेत 9 जिलार 69 आसन रे भोट ग्रहण करा जिवो। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बलियार फेफना विधानसभा रे रत्सड़ इंटर कॉलेज पड़िया रे जनसभा हो। से बीजेपी प्रार्थी उपेन्द्र तिवारी प्रचार करेंगे। विभिन्न संस्था द्वारा करा सर्वे अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी पुणि थे क्षमता को फेरुची। आज सका 7 भोट ग्रहण आरंभ हो संध्या 6 पर्यंत चलिबो। उत्तर प्रदेश रे ए पर्यंत तीनोटी पर्यायर मतदान शेष होईछि। तबे आज होछि चतुर्थ पर्याय भोट ग्रहण। तबे ए पर्यायर मतदान पई सोमवार प्रचार शेष होईछि। लखनऊ और रायबरेली समेत पाखापाखि 9 जिलार 69 आसन रे भोट ग्रहण करा जिवो। तबे आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बलियार फेफना विधानसभा रत्सड इंटर कॉलेज पड़िया रे जनसभा करिवे। तबे अधिक आलोचना करने बाबद नुआ दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल सहित तो फोन लाइन जगे जोड़ गगन। तीनोटी पर्याय शेष हो आज चतुर्थ पर्याय भोट ग्रहण विशेषकर फोकस रे की गगन जदि शुणी पार्टी जानवाक चाहबू जो आज उत्तर प्रदेश तीनोटी पर्याय मतदान पूर्व सरी सारी। आज हूँ चतुर्थ पर्याय भोट ग्रहण। तेज प्रचार शेष हो आरी उत्तर प्रदेश में एपर्यंत तीनोटी पर्याय मतदान शेष हो सारी। तेज आज चतुर्थ पर्याय भोट ग्रहण एपर्यंत मतदान पर सोमवार प्रचार शेष हो। लखनऊ रायबरेली समेत 9 जिलार 69 आसन में भोट ग्रहण तेज। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बलियार फेफना विधानसभा रत्सड इंटर कॉलेज पड़िया जनसभा
अधिक आलोचना करिबा नवादिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल सहित पुणि जोड़ गगन आज चतुर्थ पर्याय भोट ग्रहण करा देखा जाए सोमवार पर्यंत शेष हो प्रचार एवं विशेषकर 9 जिलार 69 आसन में भोट ग्रहण रही परवर्ती खबर को बीजेपी मिशन मणिपुर गतकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत पाई बेस उत्साह देखा मिलता मणिपुर रे स्थानीय लोके विशेषकर लोक कलाकार माने प्रधानमंत्री को स्वागत करने नृत्य गीत को माध्यम करते पारंपरिक गीत नृत्य आउ बाद्यर ताले स्वागत संबोधना पाई जोरदार प्रस्तुति चलता देखा मिलता मणिपुर निर्वाचन प्रचार को गुरुत्व मोदी मणिपुर हेनोगांग एक विशाल जनसभा को संबोधित करिसेंती मणिपुर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मध्य प्रधानमंत्री सह उपस्थित रहिथिले सेठारे एबे बीजेपी सरकार थिबारो पूर्णी बीजेपी को क्षमता दे डबल इंजिन सरकार चलाइबा को वोटर को आह्वान देछेंती मोदी या सहित विरोधी कांग्रेस उपरे मध्य खूब बरसिछेंती। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला, लेकिन बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। आपने बीजेपी की गुड गवर्नेंस को भी देखा है और गुड इंटेंशन को भी देखा है। बीते 5 साल में हमने जो मेहनत की उसने आने वाले 25 सालों की एक ठोस मजबूत नींव बनाई है। मैं विशेष रूप से यहां के युवा बेटे बेटियों से और खास करके फर्स्ट टाइम वोटर्स से कहूंगा, जो पहली बार इस बार वोट डालने के लिए जाने वाले हैं, उनके मन में कितना उत्साह होगा, उमंग होगा। वोट देने के लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पोलिंग बूथ पे गए, एक बटन दबाया, इतना नहीं है। जब आप वोटिंग मशीन पे बटन दबाते हैं ना, इसका मतलब आप इस सरकार के सक्रिय भागीदार बन जाते हैं, आप सरकार चलाने के एक महत्वपूर्ण निर्णय के हिस्सेदार बन जाते हैं। और ये सौभाग्य जिन नौजवान बेटे बेटियों को पहली बार मिल रहा है, मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। युक्रेन में फसी भारतीयों को उद्धार पाई मिशन आरंभ प्रथम पर्यायर 242 भारतीयों को धरी दिल्ली अभिमुखे आसला एयर इंडिया विमान तेज रुष और युक्रेन मध्य युद्ध स्थित उत्पन्न होता बेले हजार हजार भारतीय एठार फसी रही तेणु समस्त भारतीयों को उद्धार करने भारत सरकार पक्षर जो उद्यम आरंभ होता ता सफल हो गतल युक्रेन 242 जन भारतीयों को धरी दिल्ली अभिमुखे उड़ाण आरंभ कर दिल्ली में राति 10:15 समय अवतरण कर शांति श्रृंखला सह सरला चतुर्थ पर्याय मतदान सेपटे पंचायत निर्वाचन पर शेष हो प्रचार शेष दिन में बड़ नेता शक्ति प्रदर्शन भोटर को मनवाई तीन राजनैतिक दल के नेता मंत्री उद्यम सेपटे आउ दिनक राज्य में पंचम पर्याय पंचायत निर्वाचन
पंचम पर्यायर निर्वाचन गत सन्धार सरी प्रचार प्रशासनिक प्रस्तुति जोरसोर होेष पर्यायर निर्वाचन में भल प्रदर्शन करने जोरसोर चली प्रचार गाँ दाण में बुलूं हेपीवेट सांग को स्टार प्रचारक घर को घर बुले भोट हाते चेष्टा कर प्रार्थी सब दल जिला परिषद आसन उपर फोकस करते पंचम पर्यायर राज्य में 49 ब्लक 131 जिला परिषद जोन मतदान तेरे 975 सरपंच समिति सभ्य और 13,514 वार्ड में होोटिंग 41 लक्ष रु अधिक भोटर पंचम पर्यायर निर्वाचन में निजर मतदान सब्यस्त करेंगे लोकप्रिय योजना और विकास पर बीजेपी सपक्ष में हावा बहुत बेले शासक दल को टक्कर देवाक रणनीति प्रस्तुत कर विरोधी विरल महाजागतिक दृश्य एकाठी होइछंती तीनोटी आकाश गंगा ए तीन आकाश गंगा बा गैलेक्सी मिलन विरल महाजागतिक दृश्य कैद हो जाइछि नासार हबल टेलीस्कोप रे देखिबा रिपोर्ट एकाठी हेले तीन गैलेक्सी विरल महाजागतिक दृश्य माध्याकर्षण प्रभाव में मिसीगले तीनिटी आकाश गंगा एकाठी होती तीनिटी आकाश गंगा ए तीन आकाश गंगा बा गैलेक्सी मिलनर विरल महाजागतिक दृश्य कैद हो जाइछि नासार हबल टेलीस्कोप रे एक तारा आकृति देखा जाउथिबा ए दृश्यटी देखिबा को अत्यंत चमत्कार तेबे माध्याकर्षण शक्ति कारण तीनिटी जाक गैलेक्सी परस्पर सहित मिसीथिबा कहा जाइछि माध्याकर्षण शक्ति प्रभाव में ये तीन जाक आकाश गंगा एकाठी होती एपरी एवं महाकाश में प्रथम थर बोली नासार वैज्ञानिक मैंने मत दे गैलेक्सी सम्मिश्रण को वैज्ञानिक मैंने IC 2431 भाव में नामित करते कन्स्टेलेशन कैंसर में घटी यह महाजागतिक दृश्यटी पृथ्वी ठार 81 मिलियन आलोक वर्ष दूर से संघटित तेरे माध्याकर्षण शक्तिर प्रभाव वैज्ञानिक मानक अधिक उत्साहित करसार गैलेक्सी जो कार्यक्रम को अधिक शक्ति जोगाइब रिपोर्ट अर्गस न्यूज गोटे परे गोटे क्रिकेट शॉट खेली चली कुनी शिशु आह्वान बैटिंग रो अति सुंदर स्टाइल और चमत्कार शैली बस मात्र 3 वर्ष और 7 मास केन्द्रापड़ार यह शिशु एवं चर्चार देखु किपरि किसी प्रशिक्षण न पाई निजे आग्रह सह खेलुछि गोटे परे गोटे क्रिकेट शॉट खेली चली कुनी शिशु आह्वान बैटिंग अति सुंदर स्टाइल और चमत्कार शैली बयस मात्र 3 वर्ष और 7 मास केन्द्रापड़ार यह शिशु एवं चर्चा देखु किपरि किसी भी प्रशिक्षण न पाई निजे आग्रह सह खेलु भारतीय क्रिकेट दलर प्रमुख खेलाड़ी विराट कोहली खेल देखा बहुत भल पाए आह्वान पिता प्राज्ञ वेदव्यास पुओ क्रिकेट खेलिबार इच्छा को गुरुत्व दे बहु खेलिबा को प्रेरणा दिखती खेल अभ्यास करने छड़ा से तार मामू सहित क्रिकेट अभ्यास कै समस्त आशा आह्वान बड़ हेले जड़े बड़ क्रिकेटर हूँ ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज पानीपाग संपर्कित खबर पर नजर पकाइबा आसुच्छी आउ एक पश्चिमा झड़ 3 दिन लग रहा वर्षा वर्तमान आफगानिस्तान और पार्श्वर्ती अंचल सक्रिय रही पश्चिमा झड़ यार प्रभाव में 24 तारीख राज्य में वर्षा आरंभ हो तेबे 25 तारीख वर्षार परिमाण बढ़िबार संभावना रही है केतेक जिले में बिजुली घड़घड़ी मारि पारे 25 तारीख में पुणी पश्चिम हिमालय अंचल सक्रिय हो आउ एक पश्चिमा झड़ यार प्रभाव में 24 तारीख ओडिशा रे केतेक जिले में वर्षा होबार संभावना रही है भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सतर्क सूचना जारी कर तेरे 4 तारीख में बरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ सुंदरगढ़ केउछर और मयूरभंज जिले में गोटे दुईट स्थान में स्वल्पुर मध्यम धरणर वर्षा हो बाकी जिले में साधारणतः पाग शुखिला ठीक सेमती 25 तारीख में उत्तर ओडिशार केतेक जिले में किसी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही
राज्यरे उत्कट होइछि बेकारी समस्या। हो होइ बढ़ी चालिछि शिक्षित बेकारीक संख्या। निजुक्ति सुजोग सृष्टि करिबारे विफल राज्य सरकार। आउ प्रहसन पलटिछि सरकारक दक्षता विकास कार्यक्रम। राज्यरे उत्कट होइछि बेकारी समस्या। हो होइ बढ़ी चालिछि शिक्षित बेकारीक संख्या। निजुक्ति सुजोग सृष्टि करिबारे विफल होइछन्ति राज्य सरकार। प्रहसन पलटिछि सरकारक दक्षता विकास कार्यक्रम। यह होती बालेश्वर सुवेलेपुर अंचल मानस माझी, बयस 26, शिक्षागत योग्यता डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। स्वप्न देखिथिले पास थिबा परे सरकारी चाकरीटे मिलिब ओ निज भविष्य निजे गढ़े। बहु संघर्ष मध्य कले किंतु चाकरी न मिलिबारु शेषरे रोजगार पाई बाध्य होई पान दोकानटिए करिछन्ति मानस। मानसक परे उच्च शिक्षा परे बालेश्वर जिले में हजार हजार युवक युवती चाकरी न पाई बेकार हो बसी। थरे नजर पकातु बालेश्वर कर्म नियोजन कार्यालय मिलता एक तथ्य उपरे 2021 मसीहा भितर जिले में विभिन्न वर्गर 31,081 जन शिक्षित पंजीकरण करिछन्ति। सेतिमध्यरु 2000 मसीहारु 2016 मध्यरे अर्थात 16 वर्ष भितरे मात्र 1756 जन को कनेस्टेबल सीआरपीएफ सामरिक एवं शिक्षा क्षेत्र में नियुक्ति मिलिछि। किंतु गत 3 वर्ष अर्थात 2017 रु 2021 मध्यरे जिले में जणे हेले युवक किंबा युवती को कोनोसी नियुक्ति मिलिनाही। जाकुने क्षोभ प्रकाश करिसेंति बालेश्वरवासी। अरे वैकेंसी बहुत अधिक माने कम बाहर छे हेले स्टूडेंट अधिक आ छे सेति पई चाकरी बहुत समस्या सृष्टि हो छे। चाकरी पई तो चेष्टा करि छी बहुत हेले मिले नै जेतु आ सेति पई दुकान गवर्नमेंट को एतिक रिक्वेस्ट दो जे कि वैकेंसी अधिक बाहर करू जा फल रे बहुत छुआ माने एंगेज हो जांदी। बेकारी समस्या को अपराध रे पेदस्थल बेकारी समस्या जो परिमाण बढ़ी बढ़ी चलिबे आपन देखिबे समाज रे विभिन्न प्रकार अपराध भी मध्ये सेई परिमाण रे बढ़ी बढ़ी चलिबो किछि नुए बहु परिमाण रे राज्य सरकार या पर ध्यान देबा दरकार। सेबड़े समग्र राज्य कथा न कहिबा भलो कारण जनवरी 31, 2021 सुधा 8,83,639 जन राज्यर विभिन्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे नाम पंजीकरण करी नियुक्ति अपेक्षा रे अछंती। सबुठ विड़म्बनार कथा 2000 रु 2020 मसीहा अर्थात 20 वर्ष भितर मात्र 48,138 जन को नियुक्ति मिल पारिछि। केवल एतिक नुहे विधानसभा रे दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा मंत्री रखिथिबा उत्तर अनुसार ओडिसा रे 9,487 जन बीटेक इंजीनियर 3,497 जन एमटेक इंजीनियर एवं 33,747 जन डिप्लोमा इंजीनियर बेकार बसी। सरकार जिते बड़े निर्वाचन आसे नियुक्ति मेला एवं बेकारी को नियुक्ति युवक युवती को ट्रेनिंग विभिन्न कथा घोषणा करती किंतु तो केवल घोषणार रही जाए एवं जो मैंने रजिस्टर करिछंती एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे सेमाने हताश हो बुलुछंती एवं तांकू विभिन्न मिछ कथा मिछ प्रतिश्रुति दिया जाउछि कि तांकू नियुक्ति दिया जाउछि। ए जो पोस्ट ओडा खाली होउछि से पोस्ट फिल अप सेया को पढौछम देली ए हेउडा के दिए लोक बेकार बुलुछंती दादन खटुछंती ता निवासन मण्डली रो नवीन हिजिली रो प्रहारारी लखे लोक बाजार गुजरात रे दादन खटुछंती। युवक युवती दक्षता वृद्धि 2011-12 मसीहारु नियुक्ति भित्तिक तालीम कार्यक्रम आरंभ करिछि दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग। आउ एथिरे एबे सुधा 1,564 जन को ट्रेनिंग दिया जाइथिबा बेले मात्र 27,508 जन नियुक्ति पाइछन्ति। बालेश्वर संजय मालिक सह भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आज पवित्र फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तिथि श्रीमंदिर श्रीजीवू बनकलागी बा श्रीमुख सिंहार नीति तेरे द्वितीय भोगमंडप भोग संपन्न होगापर दत्त महापात्र सेवक मैंने गर्भगृह को प्रवेश करी महाप्रभु श्रीमुख सिंहार नीति संपादन करेंगे। महाप्रभु को हिंगुल हरिताल शंख कला कस्तूरी आदि विभिन्न पारंपरिक प्रसाधन सामग्री प्रस्तुत रंग में महाप्रभु श्रीमुख चमक उठ
ବନକଲାଗି ପରେ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ବେଶ୍ ବିଭୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବନକଲାଗି ନୀତିକୁ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଏତେ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଥରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଚକା ଆଖିକୁ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଜନ୍ମ ଜମାନ୍ତର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟାର ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପରିସ୍ଥିତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର 2 ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବସିଛି। ଆମେରିକାର ଚେତାବନୀ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ ରଷିଆ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାର ଲାଗିଛି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପରିସ୍ଥିତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର 2 ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ନୂଆ ବିବାଦ। ବସିଲା ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଜରୁରୀ ବୈଠକ। ରୁଷିଆ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ ବୋଲି ଆମେରିକାର ଚେତାବନୀ। ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ବୋଲି କହିଲେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଏବେ 2 ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍। ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ର 2 ଅଞ୍ଚଳ ଲୁହାନ୍ସ୍କ ଏବଂ ଡୋନେସ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରିପବ୍ଲିକ୍ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପୁଣି ନୂଆ ବିବାଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ରୁଷିଆ। ଏ 2 ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଠୁଳ କଲାଣି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର 2 ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ସହ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅର୍ଡର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ ଅଲଗା ଭାବରେ ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅନୁରୋଧରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ଘଟଣା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି। The Secretary General urges all relevant actors to focus their efforts on ensuring an immediate cessation of hostilities, protection of civilians and civilian infrastructure, preventing any action and statements that may further escalate the dangerous situation in and around Ukraine, and prioritizing diplomacy to address all issues peacefully. ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରୁଷିଆର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ ନକରି ଯୁଦ୍ଧ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ରୁଷିଆର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଆମେରିକା। ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଉତ୍ତେଜନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। is a matter of deep concern. ଉଭୟ ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭାରତର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେଉ ବୋଲି ଚାହେଁ ଭାରତ। ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। जो यूक्रेन का मामला है, भारत यही चाहता है कि किसी तरीके से शांति स्थापित हो और बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाए, यह भारत चाहता है। भारत सदैव उसे विश्व शांति का पक्ष धर रहा है। ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ନାଗରିକ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷିଆର ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି ରୁଷିଆ। ଶେଷ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ବୋଲି ବ୍ରିଟେନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ ତାକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ଆଶଙ୍କା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପଞ୍ଚାନବେ ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମତଦାନ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ନାତିମାନେ ଆଇଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ 95 ଗୋଲାପି ଛୁରିଆ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଧନକୌଡ଼ା ବ୍ଲକ କଡ଼ଡୋଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଚାରପାଲି ଗାଁର ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମୟ ସରିଛି, ପ୍ରଥମ ଖବରକୁ ଏଇ ଠକୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ପେଟ ସଫା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚୂରନ୍, ପେଟ ସଫା ତ ସବୁ ରୋଗ ବାହାର।